जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण शुरू हो गया है और मरुधरा के रण में आज फिर से गरजने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में पीएम मोदी की आज दो जगह चुनावी सभा होगी। पीएम मोदी का आज जालोर और बांसवाड़ा दौरा है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीनमाल में जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। तो जालोर और सिरोही लोकसभा में इस बार फिर से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की होने वाली है। आज महत्वपूर्ण सभा होने वाली है। दूसरे चरण का रण शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का। मरुधरा के रण में एक बार फिर से गरजेंगे पीएम मोदी। और राजस्थान में पीएम मोदी की आज दो जगह चुनावी सभा होने वाली है। जालोर और बांसवाड़ा दौरा है। जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीनमाल में जनसभा की जाएगी। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, एक बार फिर से देखिए दूसरे चरण का जो लोकसभा चुनाव है उसका रण शुरू हो गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मरुधर आ रहे हैं। जनसभा होगी यहाँ जालोर बांसवाड़ा जालोर सिरोही में। तो यहाँ बीजेपी कह सकते हैं कि ज्यादा टक्कर देने वाली है या फिर यहाँ पर कांग्रेस की टक्कर ज्यादा समझी जाए, क्योंकि यहाँ लुम्बाराम चौधरी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की टक्कर है। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जगह यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीनमाल में चंबा होगी, जालोर सिरोही का लोकसभा क्षेत्र का जगह है, भीनमाल कस्बा है बड़ा, वहां पर सभा होगी। और वह जैसा आपने बताया लुम्बाराम बीजेपी से है, साधारण कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उनका मुकाबला शहर ये प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके पुत्र है वैभव गहलोत, उनके साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो रोचक होने वाला है। लेकिन क्योंकि लुम्बाराम है वो स्थानीय है और वहाँ शहर मिलनसार है, लोगों के बीच लगातार रहे हैं। और अब वैभव गहलोत ने पिछला जो चुनाव लड़ा था वो जोधपुर से लड़ा था, वहां गजेंद्र सिंह के सामने हार गए थे और अब उन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो बदला और जालोर सिरोही गए। देखने वाली बात होगी कि कौन टक्कर दे पाता है क्या है, लेकिन फिलहाल वहां के जो समीकरण है वो रहेंगे। दूसरी सभा होगी यहाँ पर बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में भी मुकाबला है वो रोचक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी जो भारत आदिवासी पार्टी है उनके राजकुमार रोड युवा चेहरा है, वो महेंद्रजीत मालवीय को टक्कर दे रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय पिछली बार कांग्रेस में थे जी, राजस्थान में मंत्री थे और उन्होंने पाला बदला, यहाँ पर जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया। उनका यहाँ पर चुनाव है। अब एक युवा की अनुभवी से टक्कर है, उधर दोनों जो प्रत्याशी है उनकी टक्कर है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी इस दोनों के बीच यहाँ जो है मोटिवेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार दोनों जगह सभाओं के रहेगा। बांसवाड़ा में कॉलेज ग्राउंड पर ये सभा है और यहाँ तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह के जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री दौरे पर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बात मतदाताओं के बीच में कहते हैं जिससे सीधे जनता तक पहुंचती है। तो अब जितना यहाँ मोटिवेशन उनको लोगों को मिल पाता है, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात। ठीक है विष्णु, ठीक है विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ डूंगर सिंह भी जुड़ चुके हैं जालोर से। डूंगर सिंह, क्या लग रहा है इस बार?